जो पूड़ी है उसका आटा गूंदना है हमने, तो बहुत सिंपल है। जिस तरह से आटा लेकर उसमें थोड़ा नमक डालकर, पानी और हल्का सा तेल डालकर गूंद लें नॉर्मल आटा, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। आटा गूंद गया, अब एक कढ़ाई के अंदर आप तेल गर्म होने के लिए रख दें, जिसमें पूड़ी आप तलेंगे। तो ये तेल भी रख दिया मैंने, और एक छोटे पैन में आप ले लें घी, और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, और उसके साथ साथ थोड़ा जीरा, और ये धनिया। अब हमने डालनी है इसमें दाल, ये भीगी हुई दाल, उड़द की भीगी हुई दाल, ये लीजिए। सब चीजों को साथ में थोड़ा सा पका भर लेते हैं, और अब इसमें लाल मिर्च ये थोड़ी ज्यादा, और यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। और अब इसे हम क्रश करेंगे, ये लीजिए इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें हमने डालना है नमक। तो ये नमक मेरे पास सी सॉल्ट है, ये सी सॉल्ट इसलिए ताकि अच्छी तरह से आसानी से पिस जाए। ये चलिए, जो उड़द की दाल है ये भी हमने क्रश कर ली, और उसके साथ साथ जो आटा है वो भी तैयार है, और तेल है वो भी तैयार। अब क्या करना है, बस तेल और ये जो पूड़ी है उसके लिए पेड़े, और अब इसे स्टफ करना है इस मिक्सचर से। ये जो हमने उड़द की दाल का मिक्सचर बनाया है ये इसके अंदर, वैसे नॉर्मली कचौड़ी बनती है, लेकिन ये जो पूड़ी है ये भी बहुत बढ़िया बनेगी। और अब ये जो हमने स्टफ की है पूड़ी, इसे बेल लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से ही इसे कर सकते हैं, नहीं तो बेलन से भी इसे बेला जा सकता है। बस जो तेल है कढ़ाई में वो होना चाहिए गर्मा गर्म, और गर्म तेल के अंदर आप पूड़ी को डालें और इसको फ्राई कर लें। बढ़िया सी पूड़ी, दिखने में भी अच्छी और खाने में एकदम जबरदस्त। ये निकाल लें, अब दिखने में तो नहीं पता चल रही है, लेकिन आपको मालूम है कि अंदर जो स्टफिंग है वो कितनी ज़्यादा है। जैसे ही आप तोड़ेंगे, खाएंगे छोले आलू के साथ में, तो मज़ा आ जाएगा। उसका भी अपना टेस्ट है, लेकिन ये भी बिना टेस्ट वाली नहीं है, एकदम बढ़िया टेस्ट वाली पीठी वाली पूड़ी, और जो पीठी है वो भी एकदम स्पेशल। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। पीठी वाली पूड़ी के लिए हमें चाहिए 1.5 कप आटा, 1/4 कप धुली हुई उड़द दाल, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, 3 बड़े चम्मच घी, चुटकी भर हींग, 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और समुद्री नमक स्वादानुसार। इसके लिए उड़द दाल को पानी में करीब 2 घंटे तक भिगो के रखें, और इसके बाद इसे छान लें। एक पैन में घी गरम करके इसमें हींग, जीरा और धनिया डालकर भूनें। अब उड़द की दाल और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इसमें दालचीनी को डालें और इसे भी भून लें, और थोड़ा ठंडा करके इसे मोटा पीस लें। इसमें नमक डालें और इसे मिक्स कर लें। अब एक बोल में आटा ले लें, इसमें नमक, तेल और पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंदें और कुछ देर तक रख दें। अब इस आटे की 12 गोलियां बनाकर इसके पेड़े बनाएं और अंदर डालें तैयार की हुई स्टफिंग। इसे बंद कर लें और किसी फ्लैट सर्विस के ऊपर थोड़ा तेल लगाकर हाथ से फैलाएं और पूरी का आकार दे दें। अब इसे डालें गर्म तेल में और दोनों तरफ सुनहरा होने तक तलें, और निकाल कर गर्मा गर्म परोसें।